हेलो एवरीवन, जियो लेयर्स 3 का ये सेकंड पार्ट है और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं सेकंड पार्ट को करते हैं शुरू। जी तो आफ्टर इफेक्ट्स में मैं आ चुका हूं, यहां से मैं जाऊंगा विंडो एक्सटेंशन और यहां से जियो लेयर्स 3 को करूंगा मैं ओपन। तो जियो लेयर्स 3 हमारे पास ओपन हो चुका है, ये हमारी पार्ट 1 वाली जो हमारी वीडियो थी यहाँ पर मौजूद है। चूंकि मैंने इसे सेव किया हुआ था तो इस पर मैं क्लिक करूंगा और इसे करूंगा ओपन। ओपन करने के बाद मैं आऊंगा इसमें और यहाँ से हम सबसे पहले इसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो करेंगे चेंज। तो ब्लेंडिंग मोड चेंज करने के बाद इसमें मजीद रियलिटी आ जाएगी, जैसा कि कुछ इस तरह से। इसी तरह अब मैं ढक्का का भी ब्लेंडिंग मोड जो है वो चेंज कर दूंगा मल्टीप्लाई कुछ इस तरह से। ओके, और अब मैं सेकंड पर जो इसका ये जो लेबल है इसका शेप चेंज करूंगा। तो शेप चेंज करने के लिए सबसे पहले ढक्का का लेबल मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से लूंगा मैं एंकर मूवर को और इस पर मैं इसके एंकर पर क्लिक करके इसे मैं नीचे की तरफ अगर ड्रैग करूंगा और अगर मैं जाऊं जियो लेयर्स में और यहां से मैं आऊं नल लेयर में और यहां से अगर मैं प्लेस टॉप 2 करूं और यहां से कर दूं स्वैप, तो इसका जो ये लेबल था पहले ब्लैक था तो अब व्हाइट हो चुका है। अगेन इसे मैं पकड़ूंगा और नीचे की तरफ करूंगा ड्रैग कुछ इस तरह से। ओके, इसी तरह मैं जाऊंगा लेबल साइलेट पर और इसे भी मैं करूंगा सिलेक्ट करके यहां से प्ले स्टॉप और कर दूंगा स्वैप। लो जी व्हाइट हो गया और अब मैं इसके एंकर पॉइंट को पकड़कर नीचे की तरफ करूंगा ड्रैग कुछ इस तरह से फिट। और अब ये हमारे लेबल जो है ये व्हाइट हो चुके हैं। अब हम इसमें करेंगे ऐड फिल्कर इफेक्ट। तो आपने अक्सर जो डॉक्यूमेंट्रीज वीडियोस हैं वहां पर फिल्कर इफेक्ट देखा होगा, तो यहाँ पर इसकी जो ओपेसिटी है वो मैं कर दूंगा 0। ओके, की फ्रेम को इन करूंगा, जाऊंगा मैं 1 फ्रेम पर, इसे मैं कर दूंगा 50। अगेन मैं जाऊंगा 2 फ्रेम पर, इसे कर दूंगा 100। अगेन जाऊंगा 3 फ्रेम पर और इसे कर दूंगा फिर से 50, फिर से 100, 50 और 100। इन की फ्रेम्स को मैं सिलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से F9 को प्रेस कर दूंगा फॉर इजी ईज। लो जी, तो हमारा जो फिल्कर इफेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। और अगर हम मजीद इसमें की फ्रेम ऐड कर दें यहाँ पर, फिर मैं 10 फ्रेम तक मैं इसमें फिल्कर इफेक्ट को ऐड करूंगा। ओके, और अब मैं आऊंगा इसके स्टार्ट में और ये जो हमारा फिल्कर इफेक्ट है ये हमें कुछ इस तरह से नजर आए। हो गया, और अब मैं आऊंगा इन तमाम की फ्रेम्स को करूंगा सिलेक्ट और इन की फ्रेम्स को करूंगा कॉपी और जाऊंगा साइलेट में और यहां पर कंट्रोल वी कर दूंगा पेस्ट। तो अब जब मैं कीबोर्ड से यू को प्रेस करूंगा तो ये यहां पर ऑटोमेटिक इसने अप्लाई कर दिए हैं। तो इस तरह से हम ब्लेंडिंग मोड को चेंज कर सकते हैं, फिल्कर इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं और जो इसका लेबल है उनके स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। अगर आपने मैप एनिमेशन डिटेल्स के साथ सीखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही कमेंट कर दें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। शुक्रिया।